Congratulations! आप सोच रहे हैं कि आज शुरुआत नहीं कैसे? Well, congratulations on making it to Thursday. आपको पता है, कई लोग Thursday को Friday कहते हैं. Because weekend is almost here. वैसे Thursday को बहुत बढ़िया-बढ़िया चीजें भी हुई थी in the past. Hashtag throwback Thursday हो जाए. Pac-Man, जो गेम हम सब ने खेला है, the game we all love. Yeah, that one. इसी दिन आया था. और आज है 29th November और आज ही के दिन पैदा हुए थे फवाद खान. जी हाँ, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. आमीन. और आज का थर्सडे तो और भी खास है क्योंकि स्टारी थर्सडे आपके साथ होंगे द टैलेंटेड सिंगर जावेद अली एज योर क्विज मास्टर. प्रोमोस तो आपने देखे हैं. ठीक 8:30 बजे आ जाइएगा और खेल लीजिएगा और बढ़िया बढ़िया गाने उनके जो मुंह से वो गाएंगे तो बस बहुत ही मजे आ जाएंगे. और अभी शुरू करेंगे ब्रेन बाजी मिनी. मैं हूँ फरजीन और मैं नहीं भूली हूँ रूल्स का रिविजन करवाना, तो करवा देती हूँ जल्दी से. यहाँ पर पूछूंगी 5 सिंपल से सवाल, 3 ऑप्शंस दूंगी और 10 सेकंड्स दूंगी. जब आपने दे दिए सारे सवालों के सही जवाब तो आप कमा सकते हैं 20,000 रुपीज में से अपना हिस्सा. और एक चीज कमा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइफ अगर दे दिया कल नायक सवाल का सही जवाब, जो कि है question number 4. सही जवाब देना है बिना लाइफ यूज किए तो आपको मिलेगी एक एक्स्ट्रा लाइफ. टिंग. और एक चीज मिलेगी आपको 3 का 30 में अगर आपने किया बाजीनाव ऐप को रेफर किन्हीं 3 लोगों को और उन्होंने डाउनलोड किया ऐप को यूजिंग योर यूजर नेम एज रेफरल कोड और खेली कोई भी पहली गेम ऑफ ब्रेन बाजी, बिंगो बाजी या पोल बाजी, तो आपको मिलेंगे 30 रुपए सीधा आपके पेटीएम वॉलेट में. अभी शुरू करते हैं आज का ये स्टारी थर्सडे एडिशन. अब स्टारी थर्सडे तो हुआ ना, थर्सडे को बाजी ना पर स्टारी थर्सडे ही होता है. हमारे साथ जुड़ चुके हैं 20,000 से भी ज्यादा लोग और आप सबके लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन से स्टेट में एडमिशन और रिक्रूटमेंट स्कैम व्यापम हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? आपने मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी. अब अगर मैं कहूँ जो एग्जाम वगैरह का सीन उसमें दिखाया गया था वो सब इन रियलिटी व्यापम स्कैम में हुआ था. यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इस स्कैम में इम्पोस्टर्स ने कैंडिडेट बनके एग्जाम पेपर्स लिखे, एग्जाम हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट्स मैनिपुलेट की और फोर्ज्ड आंसर शीट्स भी सप्लाई किए गए बाय ब्राइबिंग ऑफिशियल्स. ये हुआ था मध्य प्रदेश में. दैट्स द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को उसके पॉपुलर हिंदी एक्रोनिम व्यापम माने व्यवसायिक परीक्षा मंडल के नाम से जाना जाता था, इसीलिए स्कैम का नाम भी व्यापम स्कैम. सही जवाब दिया 12,000 से ज्यादा लोगों ने, 2,000 से ज्यादा लोगों ने की है लाइफ यूज और 14,000 से ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स question number 2. और फिलहाल हमें 21,000 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं. question number 2 आप सबके लिए ये रहा, चेस के गेम में कितने यूनिक ब्लैक पीसेस होते हैं? 6, 12 या फिर 16? चेस एक ऐसा गेम जिसके हर जगह पे आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, मतलब मूवीज में, सीरियल्स में, बुक्स में, हर जगह. शह, मात, ये टर्म्स भी आपने हर जगह सुने होंगे. आई मीन हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन का आइकॉनिक चेस सीन ही याद कर लीजिए. ऑल्दो 10 सेकंड्स तो खत्म हो गए, बट अ नाइस विजुअल टू थिंक ऑफ टिल आई टेल यू द आंसर. जवाब मेरे पास आ गया है एंड 6 इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. चेस में एक प्लेयर के पास 16 पीसेस होते हैं जिसमें से 6 यूनिक होते हैं, किंग, क्वीन, रूक, नाइट, बिशप एंड पॉन माने ज्यादा. सही जवाब दिया 3,000 से ज्यादा लोगों ने और 8,000 से ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स question number 3. 22,000 से ज्यादा लोग फिलहाल हमें देख रहे हैं. question 3 आप सबके लिए ये रहा, 1950 में इंडिया के फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट कौन से कंट्री के हेड थे? इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर मलेशिया? As we all know, हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मोनार्क चीफ गेस्ट बनकर आते हैं. ये वही दिन होता है जब ऑलमोस्ट हर कोई बिना डांट सुने सुबह सुबह उठ के रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते हैं. जवाब मेरे पास आ गया है इंडोनेशिया इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो आए थे एज चीफ गेस्ट. 2019 में ट्रंप को इनवाइट किया गया है जो शायद अटेंड ना कर पाए बिकॉज ऑफ हिज शेड्यूल, वेरी बिजी मैन. सही जवाब दिया 6,000 से ज्यादा लोगों ने, 400 लोगों ने की है लाइफ यूज. पर ये जो सवाल है ना नेक्स्ट वाला वो आप सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑल यू 21,867 पीपल, क्योंकि ये है हमारा ओपन टू ऑल सवाल, इट इज द कल नायक सवाल. सही जवाब देना है बिना लाइफ यूज किए तो आपको मैं फरजीन दूंगी एक एक्स्ट्रा लाइफ. question number 4 आप सबके लिए ये रहा,
इनमें से कौन सी रणबीर कपूर फिल्म का नाम एक किशोर कुमार सॉन्ग नहीं है? ए दिल है मुश्किल, ये जवानी है दीवानी, या बचना ए हसीनो। ये तीनों ही गाने मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। किशोर कुमार और पहले के आर्टिस्ट का ना जादू ही कुछ ऐसा था। और आज रात को भी तो एक ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट होंगे आपके साथ, जावेद अली ऑन स्टारी थर्सडे 8:30 ऑन द बाजीनाव ऐप। और रणबीर की जो फिल्म की बात हो रही है, तो पर्सनल बात बताऊं आपको, हाँ जी, ये जो रणबीर है इनको खाने में पसंद है सुशी, वड़ा पाव, डोसा, बॉम्बे डक, बिसाइड होम कुक भिंडी। इट्स लाइक वी आर मेंट फॉर ईच अदर, सेम पसंद है हमारी। जवाब आ गया है, एंड ए दिल है मुश्किल इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। ये गाना था मोहम्मद रफी का फ्रॉम द फिल्म CID। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जी हाँ यही वाला सही जवाब दिया है। 5000 से ज्यादा लोगों ने बिना लाइफ यूज किए, तो आपको मिलती है एक एक्स्ट्रा लाइफ। 1200 लोगों ने की है लाइफ यूज, और आगे बढ़ रहे 2918 पीपल टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी मिनी ऑन बाजी नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके लिए ये रहा, इनमें से किस देश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने सबसे कम ODI सेंचुरीज बनाई है? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। अब सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा ODI सेंचुरीज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 9 ODI सेंचुरीज। और ऐसा नहीं है कि सचिन ने ODIs कम बनाई है इस कंट्री के साथ, उन्होंने मैचेस ही कम खेले, तो इसीलिए एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ODI कम है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ बनी है 5 सेंचुरीज, जी हाँ, मतलब इंग्लैंड इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर, जिनके साथ अगेंस्ट सचिन ने स्कोर किया है 2 ODI सेंचुरीज, जी हाँ। और 648 गेटिंग दिस वन राइट, 269 पीपल यूज देयर लाइफ, और मतलब आज के ब्रेन बाजीगर्स बनते हैं 886 पीपल। कांग्रेचुलेशंस आप सबको, सेलिब्रेशंस तो बनती है बॉस। One, two, three, smile. जी हाँ, ऐसे ही है। जो 17,000 से ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं ना, आप प्लीज फोटो भेज दीजिए, और बाकी सबको भी बोलिए फोटोज वीडियोस भेज दे। बाजी नाउ इज आवर सोशल मीडिया हैंडल, ब्रेन बाजी, बिंगो बाजी, पोल बाजी, हैशटैग कर देंगे तो हम आपको इजीली ढूंढ लेंगे। और फिलहाल मैंने ढूंढ ली है लिस्ट ऑफ विनर्स। कांग्रेचुलेशंस SK रोशन, आकाश अग्रवाल, मीना, हर्ष जी 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 जीते हैं, क्या बात है जी। PK 75 डिग वापस जीत गए हैं, DK सिंह जीते हैं, रवि कुमार, बहुत बहुत मुबारक आप सबको। और अगर अभी वाली लिस्ट में मैंने नाम नहीं पढ़ा, अगर आपका नाम है तो नेक्स्ट लिस्ट में भी होगा ना, क्योंकि आप खेल सकते हैं 3 बजे पोल बाजी मिनी, उसके बाद खेलिए 4:30 बजे बिंगो बाजी, 8:30 बजे स्टारी थर्सडे ब्रेन बाजी, एंड देन 9 बजे पोल बाजी। और अभी वापस बैठ जाइए, क्योंकि चीट कोड लेकर आ रही हूँ मैं। See you on the other side. Brain Baazi. Cheat code. Cheat code. Congratulations to all the winners. अब अपना विनिंग सॉन्ग लगा लीजिए या थैंकिंग सॉन्ग। आजकल वैसे सारे एप्स एंड इंटरनेट इन जनरल इतना स्मार्ट हो गया है, अगर आप एक जॉनरा का गाना सुनते हैं तो फिर सजेशंस भी वही सिमिलर आने लगते हैं आपको। उस दिन ताजदारे हरम में सुन रही थी और सारे सूफियाना गाने आ गए मेरे सजेशंस में यार। रणबीर का रॉकस्टार का कुन पाया कुन भी बज गया अपने आप ही, एंड नाउ इट्स बैक ऑन माय प्लेलिस्ट। वीडियो कितना सुकून देता है इस गाने का, रणबीर निजामुद्दीन दरगाह में सारे सिंगर्स के बीच में बैठे हुए, बहुत कामिंग गाना है। अभी जाके सुनती हूँ फॉर द 700th टाइम। आप भी सुनना, और मेरी सारी बातें चारी ब्रेनबाजी में याद रखना। जावेद अली के साथ गेम में बहुत ज्यादा मजे आएंगे, तब आपको हैव एन ऑसम ब्लॉसम डे। ब्रेनबाजी चीट कोड।